जी भाइयों, हम आ गए हैं जनाब दिल मीर पेड़ा लस्सी पे। और ये जो है आप देख सकते हैं सामने, ताज़ा दही, दूध, पेड़ों वाली लस्सी, ठंडी खीर, ठंडा पिस्ता बादाम दूध। ये है जी दिलमीर। सॉरी, ये दिलमीर नहीं है, ये है जनाब दिलमीर। इसके बराबर में ये आइसबर्ग है। तो आए जनाब, देखते हैं इनके पास क्या क्या अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए जनाब, ये पड़े हैं पेड़े, पेड़े ही पेड़े भाई, पेड़े ही पेड़े। अच्छा, इनका टिन में हलवा भी है और इनका अपना है। ये आ गई जी लस्सी। वायर ये अच्छा है, डिस्पोजेबल में अवेलेबल है सर। सर ये कितने की है पेड़ा लस्सी? 180 की है। 180 की। और आपको एतराज़ तो नहीं है, आपकी बना लूँगा। ठीक है, 180 की पेड़ा लस्सी। और शादी? शादी 120 की है। 120। तो बस इसमें दो ही वो हैं फ्लेवर्स, एक शादी और एक पेड़ा। ठीक है, तो दो पेड़े वाली लस्सी कर दीजिएगा पार्सल। और पार्सल है तो मैं खुद ही ले जाऊंगा बस ही। अच्छा, ये सारा एक ही किस्म का पेड़ है या अलग अलग? बस शेप डिफरेंट है। ये बर्फी है, ये पेड़ है। अच्छा, बर्फी और पेड़ा। तो बर्फी है, बाकी ये पेड़ा। अच्छा, पेड़ा 640 रुपए किलो, बर्फी 600 किलो बर्फी। इसके अलावा इनके पास सोहन हलवा भी है। अच्छा, आपका सोहन हलवा जो है ये तीन डिफरेंट फ्लेवर में है या सिर्फ कलर का फर्क है? अच्छा, तो फिर वो प्रिपेयर है। सही है, सही। ये नाजरीन हमारी आ गई है दिलमीर की पेड़ा लस्सी। इनके पास दो किस्म की लस्सी, एक नॉर्मल रेगुलर और एक पेड़े के साथ। और जनाब, इसमें जो है ऑप्शन ये हो सकता है कि आप इनको मीठा जो है वो बता सकते हैं कि कम रखना है, ज़्यादा रखना है, हल्का रखना है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और आप ये देख रहे हैं कि कितनी नफासत से इन्होंने इसको पैक करके दिया है। और अंदर ये डिस्पोजेबल ग्लासेस हैं लिड के साथ, तो आप आराम से ऑन द गो इसको पी सकते हैं और बेहतरीन है। अब मैं आपको इसको पी के और बताता हूँ उसका जायका। ये देखें जी जनाब, ये आ गई आपकी दिलमीर की पेड़ा लस्सी, फुली डिस्पोजेबल, आसानी के साथ आप इसको पी सकें, बेहतरीन। चलें जी, इसको ट्राई करते हैं और आपको इसका टेस्ट बताते हैं। काफ़ी माशाल्लाह से बड़ा जाइंट ग्लास है। आई थिंक ये ऑलमोस्ट आधा किलो होगी। और नीचे इसके जो है वो पेड़े, मुझे पेड़े के ज़र्रात बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। बिस्मिल्लाह।
बहुत ज़बरदस्त, और आप देख रहे हैं कि ये इसका गाढ़ापन बड़ा ज़बरदस्त है। मुझे बहुत गाढ़ी लस्सी अच्छी नहीं लगती, ज़रा रनी रनी सी आपकी वॉटरी जो है ना वो अच्छी लगती है, पतली लस्सी। और इसके अंदर जो है वो वहाँ में जो मैंने पी थी हैदराबाद में, उसमें जब आपके जब आप एक घूंट लेते थे तो उसमें अगर कोई मावा आता था तो मावे का टेस्ट आता था। इसके अंदर हल्का सा टेस्ट जो है वो लस्सी में भी मौजूद है इसके पेड़े का। और पेड़ा भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेड़ा है, ये मावा नहीं है, तो इट्स डिफरेंट। ऑल्दो पेड़ा मावे ही से बनता है, यानी खोए से ही बनता है, लेकिन अभी मैं आपको इनका पेड़ा भी दिखाता हूँ। वाह जी वाह, बहुत उम्दा यार। बहुत ज़बरदस्त लस्सी है, बहुत डिफरेंट है ये लस्सी जो है, ये बाकी तमाम लस्सियों से डिफरेंट है, क्योंकि इसकी लस्सी में हल्का हल्का इनके पेड़े का जायका है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी जो मैंने हैदराबाद में मावे वाली पी थी वो नॉर्मल लस्सी थी, बहुत अच्छी थी, और फिर माया खोया उन्होंने ऊपर डाला हुआ था तो लस्सी वो रेगुलर ही थी, लेकिन इसकी लस्सी में उन तमाम लस्सियों से ये डिफरेंट है जो मैंने कराची में या कराची से बाहर अब तक पी हैं। ये इसकी लस्सी में हल्का सा मावे का जायका, और फिर ये नीचे जो है जब आप इसका सिप लेते हैं तो बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़े जो है ना वो भी आपके मुंह में आते हैं इसके पेड़े के, जो बड़ा अच्छा लगता है। एंड बाय द वे, पेड़ा को बहुत ज़्यादा कोई मीठा शीरा नहीं है, तो अच्छे मुनासिब मिठास है जो बैलेंस है। वो यार मज़ा आ गया, बहुत अच्छी लस्सी, यानी जो यूँ मेरा टेस्ट जो है वो ज़रा बिल्डअप हो रहा है, टाइम हो रहा है, ज़बान पे टेस्ट ठहर रहा है। बहुत ज़बरदस्त लस्सी है यार, आई थिंक ये तो आप ज़रूर ट्राई करें जब भी आप आएँ, बहुत मज़ेदार जायका है। अच्छा, इन्होंने जब कहा ना 180 का ग्लास, तो मेरे जहन में आया, मैंने कहा 180 का ग्लास इतनी कीमत, लेकिन ये जो ग्लास आप देख रहे हैं ना पूरा आधा किलो लस्सी है, यानी बड़े ग्लास से भी थोड़ा ज़्यादा। और फिर इसके अंदर जो इन्होंने पेड़ा डाला है उसकी बहुत अच्छी मिकदार है, सेंस में कि पूरी लस्सी में उसका टेस्ट है, तो रियली वर्थ इट। और आई थिंक बड़ी मुनासिब प्राइस है इस ज़बरदस्त क्वालिटी ड्रिंक की एतबार से। तो जब भी आएँ यहाँ मुल्तान तो ये इनकी दिलमीर की पेड़ा लस्सी ज़रूर ट्राई करें। और अब मैं आपको इसका पेड़ा दिखाता हूँ, वो जो इसके अंदर इन्होंने डाला है वो शाकाहार आइटम जो है, ये देखें इसमें ये जो गोल पड़े हुए हैं ये जो हैं ये नरम नरम ये पेड़े हैं, और ये जो है रेक्टेंगुलर जो है ये बर्फ़ी है। तो ये जो पेड़ा है ना, ये पेड़ा जो है उस लस्सी के अंदर कमाल दिखा रहा है, और ये भी इंतहाई कोई ताज़ा, खस्ता, आला, उम्दा, नफीस, जानदार, ख़ानदानी, बेहतरीन किस्म के पेड़े और बर्फी लग रही है। ट्राई करते हैं इसको। ओए होए ओह, लग रहे अभी अभी ताज़े उतर के बने, बहुत आला। और ये बर्फी होती है। अच्छा, ज़ाती तौर पे मेरी अपनी पसंद में, मुझे बर्फ़ी इतनी पसंद नहीं है, बिकॉज़ इसके अंदर जो है वो थोड़ा शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। मुझे ये चीज़ ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें बस खोया ज़्यादा और शक्कर कम, या खोया या मावा जो भी आप कहते हैं। तो लेकिन इसको ट्राई करते हैं।
यार इतनी सॉफ्ट मिठाइयाँ हैं, लग रहा है आज सुबह ही सुबह बनी है। और एज यूजुअल एज एक्सपेक्टेड इसके अंदर ऑब्वियसली मिठास ज़्यादा है। तो आप लोग को अगर बर्फ़ी पसंद है तो बहुत आला, और फ्रेश ताज़ा बनी हुई है। लेकिन मुझे चूँकि पेड़ा ज़्यादा पसंद है तो मैं तो भाई इसका फ़ैन हो गया हूँ, फ़ैन और एसी और गीज़र और व्हाटएवर जो भी है वो हो गया इसका। अच्छा भाइयों एक करेक्शन बस मैं कर लूँ कि ये जो है ये बड़ा ग्लास था 180 का, इसका छोटा ग्लास जो है वो 120 का है। तो अगर आप कम लस्सी पीना चाहते हैं तो आप 120 वाला ग्लास भी ले सकते हैं जो गालिबन इतने साइज़ का होगा, और ये 180 वाला ग्लास है जो कि बिना शक जो है ये कम से कम भी आधा लीटर होगा ये। तो मैंने कहा इसकी मैं तस्दीक कर दूँ। और ये जो खाली ग्लास आ रहे हैं ना, तो आप मेरी तरफ नहीं देखें, मैंने नहीं पिया ये, मुझे नहीं पता ये किसने पिया है। मैं इतनी लस्सी मैंने नहीं पी है, अभी बता दूँगा।